हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना सीखेंगे। तो कोई भी वाक्य आया है, हम किस तरह से उसको पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कि कोई वाक्य आया है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और किस तरह से बनेगा। तो आइए पहले हम लोग सबसे पहले पहचान देख लेते हैं, वाक्य की पहचान देख लेते हैं। तो देखते हैं पहचान पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। क्या पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कोई भी वाक्य होगा तो मेन वर्ब के साथ, यानी कि जो काम हो रहा है उस काम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो इसमें रहा है आ रहा। तो जैसे ही रहा है, रही है, रहे हैं आए, आप पहचान जाइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह खेल रहा है, यहाँ पे खेलना के साथ रहा है लगा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब के साथ लगा हुआ है रहा है। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं मेन वर्ब क्या, कौन से लगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी टेंस होता है उसमें कार्य होता है, और कार्य यानी कि वर्ब। तो वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ऐड आईएनजी कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। अब सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज या आई एम या आर, ये सहायक क्रिया लगेगी टेंस में। टेंस में सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज, एम, आर, इन तीन में एक वाक्य में एक कोई सहायक क्रिया लगेगी। तो इज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या प्रश्न दे लेते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक, तो उसकी यही पहचान है कि वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, क्या पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं मेन वर्ब के साथ। और वर्ब क्रिया कौन सी, यानी कि वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। और सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, इज, आई एम, आर, और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ आई एम, आई एम प्लूरल के साथ आर लगेगी। तो